Be a part of powerful digital news network, Navi Mumbai Network. तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एपीएमसी बाजार के कारण नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण का प्रादुर्भाव जिस तेजी के साथ बढ़ा, उसी के चलते सावधानी बरतते हुए 11 से 17 मई के दरमियान एपीएमसी बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया, परंतु 18 मई को नवी मुंबई स्थित एपीएमसी मार्केट दोबारा शुरू करने का निर्णय पणन विभाग के प्रधान सचिव अनूप कुमार और कोंकण विभागीय आयुक्त शिवाजी राव दौंड की अध्यक्षता में संपन्न हुए एक बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया। तो मुंबई थाना नवी मुंबई या परिसरात का जनते का पुरवठा करना सुधा तेवढंच महत्त्वाचं। मार्केट बंद राहिलं तर जनतेला अन्नधान्य आणि बाकीच्या सुविधा मिळणार नाही याची गांभीर्याने लक्षात घेता हे मार्केट इतर अडचणी दूर करून प्रादुर्भाव कसा रोखता येईल याचा प्रयत्न करून करण्याची सूचना आजच्या बैठकीत झाली आणि आम्ही जे ठरवलं त्याप्रमाणे आता कडक नियम आम्ही करतोय। या नियमामध्ये जो उल्लंघन करेल इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 18 मई से सब्जी मार्केट, अनाज मंडी और मसाला मार्केट शुरू करने की अनुमति दी गई है, तो वहीं 21 मई से कांदा बटाटा मार्केट और फल मार्केट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल मार्केट परिसर में कोरोना संक्रमण का प्रादुर्भाव ना बढ़े, इसी के चलते काफी सारी यंत्रणाओं को तैनात किया गया है और इसी के तहत मार्केट परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की होगी थर्मल चेकिंग, साथ ही साथ खून में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच पल्स मीटर के माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। जांच के बाद ही हर एक व्यक्ति को प्रवेश देना बंधनकारक किया गया है, तो वहीं मार्केट परिसर में वाहनों की संख्या भी मर्यादित करने का निर्णय लिया गया है। बाजार समितीचे बाजार आवार आहेत, त्या प्रत्येक बाजार आवारासाठी निश्चितपणे कामकाजाची कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे आणि या कार्यपद्धतीमध्ये प्रत्येक जो व्यक्ती त्या ठिकाणी प्रवेश करेल त्याची पूर्ण आरोग्य तपासणी करणं, आरोग्य तपासणी करत असताना त्यामध्ये काही त्याची लक्षणं आढळली तर त्याला तातडीने बाजूला करून त्याची स्वॅब घेणे, ते टेस्टिंगला पाठवणे आणि त्यांची निवासाची सोय करणे, इथपर्यंत त्या दररोजच्या कार्यक्रमामध्ये ते इन्क्लूड केलेलं आहे। ज्या ठिकाणी प्रवेश करते वेळेस सर्व व्यक्तींचे थर्मल स्कॅनरने स्कॅनिंग करणे, परत पल्स ऑक्सिमीटरने त्यांचे ऑक्सिजन लेवल घेणे आणि किरकोळ औषध उपचार असेल तर त्या ठिकाणी त्यांना औषध उपचारी करणे, अशा प्रकारची कार्यपद्धती अवलंबलेली आहे। तो आइए अब देखते हैं कि 18 मई से शुरू होने वाले एपीएमसी मार्केट में आदेशानुसार कितने वाहनों को अनुमति दी गई है। सब्जी मार्केट परिसर 150 वाहन, अनाज मार्केट परिसर 300 वाहन, मसाला मार्केट परिसर 200 ही वाहनों को आने की अनुमति दी गई है। तो अब देखते हैं कि 21 मई से शुरू होने वाले मार्केट में आदेशानुसार कितने वाहनों को अनुमति दी गई है। बता दें कि कांडा बटाटा मार्केट परिसर में कुल 100 वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं फल मार्केट की बात करें तो 200 वाहनों को ही आने की अनुमति दी गई है। आता भाजीपाला मार्केट असेल तर सर्वांच्या मते फक्त 150 त्या ठिकाणी ट्रक असो, टेम्पो असो, कोणत्याही प्रकारचं वाहन असलं फक्त 150 वाहनांचंच मर्यादा त्या ठिकाणी निश्चित त्यांनी केलेली आहे। धान्य बाजार आवारामध्ये फक्त 300 वाहनांची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे आणि ते अल्टरनेट दिवस, म्हणजे एक दिवशी फक्त आवक झाल्यानंतर ते पूर्ण डाउनलोड केलं जाईल माल तो, आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी इथे जे काही मुंबईमध्ये किंवा MMR एरियामध्ये जो पाठवला जातो त्याप्रमाणे तो पाठवला जाणार आहे। मसाला बाजारामध्ये 200 वाहनंच फक्त मर्यादा ठेवलेली आहे आणि ही मर्यादा करत असताना वाहनांची गर्दी होऊ नये म्हणून ट्रक टर्मिनल येथे सर्व वाहनं त्या ठिकाणी पार्क केली जातील आणि बाजार समितीमध्ये ज्या व्यापारी टोकन नंबर देतील आणि पोलीस आणि बाजार समिती या ठिकाणी एक एक वाहन या ठिकाणी सोडलं जाईल आणि कोणत्याही प्रकार त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग डिस्टर्ब होणार नाही, कुणालाही त्या ठिकाणी आरोग्याच्या कोणाच्या आरोग्याशी
दुखापत होणार नाही याची पूर्णतः काळजी घेतण्यात आलेली आहे। बता दे की एपीएमसी में संपन्न बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बाजार समिति परिसर में अगर किसी को कोरोना संसर्ग हो जाता है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाजार समिति के निर्यात भवन में एक क्वारंटाइन सेंटर शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे। एपीएमसी मार्केट स्वतः कोरोना सेंटर उभे करत आहे जिथे अशा प्रकारचा टेस्टिंग केल्यानंतर जर प्रदुभाव दिसला तर लगेच त्याला तिथेच आपण त्या ठिकाणी स्वतःचं सेंटर उभं करून जे एपीएमसी मार्केटमधला व्यापारी आणि घटक असतील कामगार माथाडी वगैरे सर्वांना हे इंडिया बुल्स वगैरे इथं नेण्यापेक्षा तिथेच करण्याचा आम्ही निर्णय घेतोय। 8-10 दिवसात आम्ही ते कार्यान्वित करू आणि त्याच्या पद्धतीने जेवढं कंट्रोल करून जेवढं आपलं नियंत्रण करता येईल तेवढं करण्याचा 100% प्रयत्न केला जाईल। अब देखना लाजमी होगा कि इन तमाम यंत्रणाओं के साथ 18 तारीख से शुरू होने वाले एपीएमसी बाजार शुरू होने के बाद क्या वाकई कोरोना संक्रमण का खतरा टाला जा सकेगा या इस बाजार के शुरू होने के बाद ये संसर्ग और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।